बोले मरा मरा बोलो, करते करते राम राम निकला। अब रामायण लव कुश देखे हो? कौन कौन लव कुश देखे? हाथ उठा तो किसे लव कुश देखे? देखे कि नहीं? लव कुश को देखे कि नहीं? टीवी में आए देखे कि नहीं? अब देखना, जब लव कुश जा करके राम दरबार में राम की कथा राम को सुना रहे थे, अब देखे होंगे लव कुश कहते हैं, फिर प्रभु अब आने से पहले हमारे गुरु जी वाल्मीकि ने अपना दिव्य नेत्र से उन्होंने सब कुछ देख लिया और संपूर्ण आपकी कथा को उन्होंने रचना किया है। इसलिए आपकी कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। इसलिए किसके नाम पर उन्होंने इतने बड़े रामायण ग्रंथ लिख लिया? केवल भगवान की, भगवान के नाम का बल पर उन्होंने इतने बड़े रामायण ग्रंथों को उन्होंने लिख डाले हैं। इसलिए अगर किसकी उद्देश्य में प्रभु का नाम अगर करते हुए कोई तिथि के पालन किया जाए तो जिसकी उद्देश्य में हम करवाते हैं वो सारे फल किसको मिलेगा? इसके उद्देश्य में आप करवा रहे हो। इसलिए आप लोग भी घर में क्या करना, कोई बच्चे का बर्थडे हो, बस शादी की सालगिरह हो, ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा लोगों को बुला करके शराबी जुआरी तरह उनको बुला बुला करके हैं उल्टा पुल्टा गंदी गंदी मुर्गा खिलवाओ और बोतल तोड़वाओ, शराब पिलाओ, ये सब गंदी काम नहीं करना। क्योंकि जिसके उद्देश्य में ये सब काम कर रहे हो ये सारे फल उनको ही प्राप्त होता है, ये सारे फल उनको मिलता है। अगर प्रभु का नाम कीर्तन करवाओगे तो यह वर्ष के ऊपर भगवान के नाम की प्रभाव पड़ेगा। हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान का नाम जानते? हाथ उठाओ आप बताओ, हनुमान कौन थे? बंदर जाति में जन्म हुए ना? बंदर जाति में जन्म हुए कि नहीं? लेकिन वो दिन रात क्या करते हैं, किसका नाम लेते हैं? बोलो जोर से, यही प्रभु का नाम लेते हैं ना, दिन रात रघुपति राघव राजा राम पति तपावन यही करते हैं ना, यही प्रभु का नाम लेते हैं। इसलिए हनुमान जी स्वयं कहते हैं, अब रामायण पढ़कर देखना, हनुमान जी स्वयं कहते हैं अगर कोई सवेरे उठ करके मेरे को देख ले, कोई बंदर को देख ले वह बंदर को नाम ले ले, दिन भर उसको भोजन नहीं मिलेगा। ये हनुमान कहते हैं मैं ऐसे जात में जन्म लिया हूँ। लेकिन ये राम का नाम ही इतनी शक्ति है, कहते राम का नाम करने का नाता घर घर में मेरी पूजा हो रही, घर घर में। शंकर जी का नाम जानते हैं? शंकर जी शिव का नाम सुने कि नहीं? उनका नाम ही सत्यम शिवम सुंदर। ये दिन भर क्या करते हैं? अब रामायण पढ़ कर देखना, कहते पंच मुख्य राम नाम गान त्रिपुरारी, महामंत्र जय जपत महेशा। शंकर जी पंच मुह में प्रभु का नाम ही प्रभु का नाम ही लेते हैं। अब देवी का नाम नाम सुनते घर घर में पूजा होता है। इनका आठ हाथ देखना, एक हाथ में देखो माला है, एक हाथ में देखो तो आठ हाथ में एक हाथ में माला है, ब्रह्मा जी की देखेंगे एक हाथ में माला है। अब लोग सरस्वती माता सरस्वती की पूजा करते होंगे, चल चार हाथ में देखोगे एक हाथ में माला है। इसलिए जगत में उन्हीं का नाम जगत में अभी हो रहा है, वही लोग ही घर घर में उनकी पूजा हो रही है। जिसने जितने प्रभु नाम को जप किया अभी जगत में वो व्यक्ति उतना ही बड़ा है। मीरा का नाम सुने कि नहीं? कौन कौन मीरा का नाम सुने? लेकिन हमारी मैया की मैया की मैया के नाम दुनिया में क्यों ले रहे हैं? कोई ले रहा है क्या हमारी मैया का नाम? मेरी मैया का नाम कोई ले? क्यों नहीं ले रहे? मीरा का नाम क्यों ले रहे? कारण है उसने कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करती थी इसलिए जगत में पूजा है। इसलिए शास्त्र कहता है वो व्यक्ति उतना ही जगत में बड़ा बनता है जो जितने प्रभु का नाम जप करता है। जैसे मोदी नाम सुने कि नहीं? मोदी कौन जानता है? मोदी का नाम सब सुने हो ना? कितना साल के लिए मोदी बना है? अगर अगली इलेक्शन में नहीं आएगा मोदी को पूछेंगे? राहुल को कोई पूछ रहे हैं? पप्पू बोलकर गाली देते हैं। इसलिए अभी जैसे जोगी कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। अगर अगली इलेक्शन में नहीं आएगा उसको कोई पूछेगा? कोई पूछेगा? ये जगत में बड़े से बड़े जो पोस्ट है, 2 दिन बाद में जितने जगत में बड़े बनोगे जितने हीरो हीरोइन है उस दिन के लिए वो हिट ही होते, उसके बाद में कोई नहीं पूछते हैं। ऐश्वर्य कोई नहीं पूछ रहे क्योंकि आप काम नहीं कर रहे। लेकिन हनुमान का नाम कभी मिटेगा जगत से? तुलसीदास का नाम मिटेगी कभी? मीरा के नाम कभी मिटेगी? अमर हो गए क्यों? भगवान की भक्ति करते। इसलिए कहते जगत में अगर सबसे बड़ा पोस्ट अगर बनना चाहते हो, जगत में सबसे बड़ा बॉलीवुड में हीरो हीरोइन में अभी कोई था ना जिसको मर गया, मरवा डाल क्या नाम सुशांत, इसलिए मरवा डाले उसको। इसलिए जगत में जितने बड़े बड़े पोस्ट है ना वो कुछ दिन के लिए है। अगर आप चाहते हो चिरकाल के लिए तुम्हारे नाम जगत में अमर बनकर के रहे,
जब तक दुनिया रहे तब तक उसका नाम उजला रहे। बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बन करके नहीं, हीरो बनना तो हनुमान जैसे हीरो बन गया, हीरो बनता तो तुलसीदास जैसे बन गया, हीरोइन बन तो मीरा जैसे गोपी जैसे बन जाओ। फिर देखना जगत में जब तक दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारे नाम जगत में तुम्हारे नाम क्या रहेगा, उजला रहेगा तुम्हारे नाम। नहीं तो दो दिन बाद में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसलिए आज जिस बच्चे के उद्देश्य में हम लोगों ने भगवान का नाम करते हैं कि जो प्रभु का जो नाम है क्या होगा उसको ऊपर सारे प्रभाव ये बच्चे के लिए आएगा। सारे जितने कर रहे हैं इसका जो अच्छा फल है जिसको मिलेगा अच्छा फल ये बच्चे को ही मिलेगा। क्यों? उसकी उद्देश्य में आज ये सत्संग हो रही है, उसकी उद्देश्य में आज प्रभु का कीर्तन हो रहे हैं। इसलिए आप लोग भी घर में किसी बच्चे का अगर बर्थडे बनाओ ना, क्या करो, अगर किसी भक्त को बुला सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो घर में खुद आप लोग बैठ जाओ, बैठ करके मजीरा हो मजीरा लेकर के ढोलकी लेकर के हरि का कीर्तन करो, हैं ठाकुर का नाम कीर्तन करो। शराबियों को जुआरियों को मांस मछली खाने वालों को मत बुलाना, क्या कभी उनको नहीं बुलानी चाहिए, कभी ऐसे व्यक्ति को मत बुलाओ। क्यों? जिसको उद्देश्य में करवाओ उसका फल उसको कर भी सारे फल उसको मिलेगा जिसको उद्देश्य में बुला रहे हैं। इसलिए करो तो भक्तों को बुलाओ, हरि का नाम करो जिसमें बच्चे का अच्छे संस्कार बढ़े और बच्चे भविष्य में अच्छे बने, पिता माताओं की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें और भगवान की भक्ति करें, ठीक है ना। इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं बच्चे की कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सबके सब कीर्तन करो जैसे बच्चे को ऊपर में अच्छे प्रभाव पड़े और भविष्य में अच्छे बने, ठीक है। देखो भगवान आप बोलोगे नहीं सो बेकार बात नहीं कि जगत में प्रभु का जो नाम, आपका नाम क्या प्रभु जी? शुभम। शुभम, देखो ये शब्द का कितने शक्ति है, ये शब्द क्या काम करता है। अगर हम बोले भाई शुभम भैया बहुत अच्छे दिल के, सबको पर दया करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, पिता माता की सेवा करते हैं, हैं अच्छे सबको पर दान करते हैं, सबको हाँ सबके लिए अच्छे सोचते हैं, ये शब्द ही ना उनको खुश कर देगा, खुश कर देगा, खुश कर देगा। अगर थोड़ी सी हम गंदा शब्द बोलते हैं, आपको पता है ये महाभारत किसी का हुआ था, आपको पता है महाभारत किसी का हुआ था, केवल द्रौपदी इतनी सी बोल दी थी अंधा का बेटा अंधा, इतना ही शब्द और कुछ नहीं। इतने बड़े जो महाभारत हुई केवल इतनी सी शब्द से ये महाभारत हुई। आप देखना हमारे घर में भी कहीं महाभारत हो जाती है, क्यों? कर अगर जिह्वा थोड़ी सी स्लिप हो गया, कुछ नहीं हुआ है घर में, कुछ ही नहीं हुआ है, बहू बहू में थोड़ी सी कोई बात हो गई, जिह्वा से स्लिप हो गया, ससुर ने तो सास के लिए बहू को, देखना घर में पूरा महाभारत केवल इतनी शब्द से। जब साधारण शब्द से इतनी शक्ति है फिर भगवान का नाम में कितनी शक्ति है। इसलिए ये जितने भक्त का नाम हो रहा है सबके सब बच्चे को घर में अच्छा प्रभाव पड़ेगा सारे बच्चे को घर में। इसलिए आप लोग भी सबके सब ताली बजाते रहिए, सबके सब पीछे पीछे सब प्रभु का कीर्तन करना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, जय जय श्री राधे। नाम की महिमा बोल दूं महाराज, नाम रस नाम रस नहीं खा रहे तो उसके बाद फिर एक राधारणी की बधाई नहीं होगी। श्री नाम महाराज की जय, जय श्री राधे। नाम रस मीठारे 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 Thank you.
Oh,
बढ़ते हुए कभी नहीं देखो, जगत का जितने सारे आनंद है देखोगे घटते हुए सारे आनंद देखोगे, क्या देखोगे? जोर से बोला, जगत का कोई भी आनंद कभी आप कभी भी नहीं देखो, कभी बढ़ते हुए देखो, हर समय जगत का आनंद घटता है कि नहीं? आनंद जैसे बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा है, जब पहला बार देखते हैं कैसे, जब पहला बार कोई सिनेमा देखा बोले क्या बढ़िया सिनेमा है, कितने सुंदर है, लेकिन उसी सिनेमा को जब दो बार देख लो ना, पहले जो आनंद था द्वितीय बार में वो आनंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब तीसरी बार वो सिनेमा देखोगे पहले जो आनंद वो आनंद आएगा। अगर एक सिनेमा को तीन चार बार देख लोगे ना फिर तो वह पंचम बार बैठने का इच्छा ही नहीं करेगा, इच्छा करेगा? एकदम इच्छा नहीं करेगा बैठने के लिए। कोई भी बढ़िया से बढ़िया भोजन हो देखना, जैसे एक रसगुल्ला खा लिया बोले कैसे बहुत बढ़िया मीठा है, दूसरा बार खा लो अरे मीठा है, तीसरा बार खा लो ठीक है, चौथा बार बोले भरे और अगर चौथा खा लिया ना पंचमा खाओ तो उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आप लोगों ने शादी किए हो, कौन कौन शादी किए हो देखना, देखा ये बताना चाह रहा हूँ संसार का कैसे हर चीज कैसे घटती है। पहले जब शादी होती है कभी पत्नी को क्या कहते हैं? चंद्रमुखी, कहते एक चंद्रमा तो आकाश में एक चंद्रमा हमारे पास में, लेकिन देखना वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में फिर वो सूरजमुखी बन जाती है, देखना वही सूरजमुखी कुछ दिन बाद में ज्वालामुखी बनकर आज हमारे पास में किसका फोन आया था, उन लोगों ने शादी किया है लेकिन अभी डाइवर्स के लिए जा रहे हैं, डाइवर्स के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों डाइवर्स? बोले वो उसको जब शादी से पहले बोल रहे थे हम एक बार मेरे पास ना बोले बाबा हमें आशीर्वाद दो, बोले क्या? जैसे सात जन्म तो हम जैसे छुए थे, सात जन्म सात फेरा लगाते हैं ना शादी के लिए कि वो सात जन्म तो के इकट्ठे रहे। वो बोला महाराज जी आशीर्वाद सात जन्म तो जैसे छुके नहीं, कुछ दिन पहले हमें तो कहा पत्नी ठीक था, बोले हमें अलग हो डाइवर्स हो गया। बोले क्यों डाइवर्स? तू तो आकर के बोल रहा था बाबा आशीर्वाद दो सात जन्म तो वो छुटे नहीं बोल रहे। बोले सात दिन को साथ में रह नहीं सकते, सात दिन क्या कहते एक दिन भी नहीं रह सकता,
मतलब ये जगत का कोई भी आनंद को देखोगे ना, कभी बैठते हुए कोई भी चीज जैसे नया घर बनाया बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद में फिर आनंद घटता ही नहीं। इसलिए जगत का कोई भी आनंद देखोगे ना, कभी बढ़ते हुए नहीं देखोगे, हर समय आनंद क्या होता है, आई लव यू, आई लीव यू, फिर आई किल यू, फिर कोर्ट में जाकर के लाइन लगा देगी नहीं, क्यों फिर घटते हैं। इसलिए जगत का कोई भी आनंद को देखोगे कभी बैठते हुए नहीं रहते, हर समय क्या होता है, घटती है। लेकिन जैसे कोई घर में हनुमान चालीसा कोई पढ़ता होगा, कोई पढ़ते हो रामायण का, कोई रामायण कोई पढ़ते हो, कोई पढ़ते हो, कौन कौन पढ़ते हो, पढ़ते हो ना, देखना देखना रोज रोज एक ही चीज पढ़ रहे कि नहीं, कहीं विरक्ति आती है। जैसे ठाकुर को घर में, हर घर में ठाकुर की होगी ना, घर में ठाकुर का किशोर कान्हा होगा, लड्डू गोपाल होगा, ठाकुर का देखना रोज रोज ठाकुर को, दिन में सवेरे भी देखते हो, दोपहर में भी देखते हो, शाम को देखते हो, फिर जब नया श्रृंगार करो ना, ठाकुर जी कितने प्यारा लग रहे हैं, लग रहे लगता है कि नहीं। इसलिए भगवान कहते नाम रस मिठारे, मतलब जो भगवान इतनी उसमें रस है, तभी तो हनुमान 24 घंटा में 24 घंटा रघुपति राघव राजा राम पति पावन, तभी तो हनुमान दिन रात प्रभु का नाम को ले रहे हैं। क्यों, प्रभु का नाम इतने मीठा है, इतने मीठा, इतना आनंद है जगत में, और किसी चीज में इतना आनंद नहीं है, इतने आनंद नहीं है। इसलिए कहते हैं अगर इसमें आपको परमानेंट अगर आनंद बनना चाहते हो ना, बस भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में, भगवान का नाम में ही हर समय आनंद, उसमें आनंद है। इसलिए क्या करो, हर समय भगवान की नाम का जप करना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, जोर से बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये जो हरि नाम है, इसमें तीन नाम है, कितना नाम है, क्या क्या बोला, पहला शब्द हरि, हरे मतलब क्या होता है, हरि का नाम हरे हो गया, हरे मतलब जीवन का जितने दुख कष्ट है प्रभु का नाम लेने पर सब दुख कष्ट जो हर ले, समस्त दुख कष्ट को जो हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि, हरि से ये हरे। दूसरा नाम है कृष्णा, कृष्णा मतलब क्या, हमारा मन बड़ा चंचल है, इस चीज में मन नहीं लगता है, मन में बड़ा दुख कष्ट है। जो कृष्ण शब्द है, क्री मतलब होता है आकर्षण करना, और स्ना मतलब होता है आनंद करना। अगर कोई कृष्ण नाम जब करेगा तो देखना, अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप उसको कृष्ण नाम कराना, देखना अपने आप मन लगने लग जाएगा, अपने आप बच्चे का मन पढ़ाई में अपने आप लग जाएगा। जिन लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, सवेर बैठ करके एक माला जप करो, भगवान को एक माला जप करना, बच्चों को माला जप करवाना, देखना आप स्वयं देखोगे जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अपने आप बच्चा पढ़ने में लग जाएगा, क्योंकि उनका नाम ही कृष्ण है, जो विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ में खींचते हैं, आकर्षण करते हैं। असना मतलब होता है आनंद, जो मन को भटकते हुए, मन को जो भटकने नहीं दे, और जो जीवन में जो आनंद दे। कहते राम, तीसरा नाम क्या है, राम, राम मतलब क्या है, कहते जीवन में हमें जो आराम, जीवन में आराम, जीवन में शांति सुख दे हैं। इसलिए अगर ये हरि नाम करो करोगे ना, कितना फल मिलेगा बोलो, कितना फल मिलेगा, तीन फल मिलेगा। हरे मतलब क्या है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, इतने हरे मतलब हमारे दुख कष्ट को जो हरण कर ले हैं, हरण कर दे, इसलिए हरे, हरि से हरे शब्द है। कृष्ण मतलब क्या हुआ, अगर जिसका मन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, मन में बेचैन सा है, सब कुछ घर में, लेकिन मन में शांति सुख नहीं, आप कृष्ण नाम करके स्वयं देख लेना, ठाकुर के सामने बैठो, बैठ करके थोड़ी प्रभु का नाम ले लो, आप देखोगे जो मन अशांत है वो अपने आप मन को शांति मिलने लग जाए हैं। और जिसको जीवन में आराम नहीं है, राम का नाम लो जीवन में, हनुमान क्या करते, प्रभु का नाम लिया, अपना दुख तो गया, कहते ना महावीर जब नाम सुना दो भूत पिशाच निकट नहीं आ, बोलते है ना, देखो प्रभु का उन्होंने नाम ले करके प्रभु का अपना दुख तो गया, और दुनिया का भी दुख का सब तो दुख भी ये दूर करते हैं। इसलिए भगवान के नाम अगर जप करोगे घर में बैठ करके, अब देखना मन में बड़े शांति मिलेगा, मन को बड़े सुख मिलेगा, मन को इतना आनंद मिलेगा, दुनिया में कभी आनंद मिला नहीं। आप लोग कोई वृंदावन में गए हो,
हाथ उठाओ तो कौन कौन वृंदावन गए, हाथ उठाओ जोर से उठाओ कि शर्म लगता है। आप देखना वहां पर अंग्रेजी इस्कॉन नाम सुने हम, अंग्रेजी, अब अंग्रेजी मंदिर में जाना, अंग्रेजी मंदिर में जाना, वहां देखना अमेरिका के, लंदन के, फ्रांस के, जर्मन के, रसिया के सब भक्तों को वहां पर देखना, मोटे मोटे तिलक, गला में कंठी, चोटी, हाथ में माला है, माला, वहां लड़कियों को वहां देखना, लड़कियों को देखना सब साड़ी पहने हुए, आप लोग किसका सर पर यहाँ कपड़ा नहीं है, वहां पर देखोगे अंग्रेजियों को देखोगे तो सर पर सर कपड़ा रखे होंगे, देखोगे है रसिया, नाम सुनो रसिया, वहां के लड़कियों ने सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, केस डाल दिया, बोले क्यों, बोले हम कॉलेज में साड़ी पहन के क्यों नहीं गए, ये केस कर रखा है, हम कॉलेज जाएंगे तो साड़ी, लेकिन हमारे देश का लड़की हम जीन स्कर्ट पहन करके स्कूल नहीं जाए, कॉलेज नहीं जाए, आश्चर्य देखो वो हमारी संस्कृति को ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनकी संस्कृति को हम ग्रहण कर रहे हैं, हम तो हिंदू है, हमारी मूल ग्रंथ भगवत गीता है ना, गीता है, इसको पूछो गीता का कोई श्लोक कौन बोल सकता है, गीता का एक श्लोक, लेकिन कुछ कौन पता कौन है, हीरो का नाम पूछो, करो हीरो का नाम पूछो, बॉलीवुड में किसका नाम पूछो, सब याद है, सब याद है हमको, याद नहीं की सॉरी, लेकिन अपना संस्कृति को, अपना संस्कृति का कोई चीज, मैं जयपुर गया था कथा करने के लिए, देखो ध्यान देखो, जयपुर कथा के लिए मैं आ रहा था, कथा करने के लिए 10 साल का छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था, मैंने उसको पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, उसने जो नाम बोला मैं समझ गया मुसलमान है, मुसलमान, मैंने कहा बेटा तेरे को कुरान आता है, वो अपना छाती चौड़ा कर, हाँ मेरे को कुरान आता, मैंने सुना वो कुराना कुरान शुरू कर दिया बोलना, मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल से कुरान को पढ़वाते हैं, कहते हमारे धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र से उसको कंपलसरी कुरान पढ़ाएंगे ही, पढ़ना पड़ेगा, अब तो यहाँ देखे होंगे शुक्रवार का दिन मुसलमान छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके रास्ता जाम कर देते हैं, देखे कि नहीं, हमारे अंदर में कोई है जो अपना बच्चे को बोलते बेटा थोड़ा रामायण पढ़, थोड़ा गीता पढ़, थोड़ा भागवत पढ़, कोई बोलते हैं बच्चों को, कौन बोलता है अपना बच्चों को, देखो माता जी, माता को ताली बजाओ, ये माता जी कहाँ से बोलती है बच्चों को, हैं, इसलिए इसलिए हमारे हमारे जो बड़े गुरु जी थे, हमारे बड़े गुरु जी के पास में कोई आए, बोले गुरुदेव बच्चा बात नहीं सुनता है, बच्चा क्या नहीं सुनता है, आप देखो घर घर में एक ही कहानी, बच्चे बात नहीं सुनते, देखो हमारे गुरु जी कितनी बड़ी बात बोले, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले बच्चे को कभी बोले रामायण पढ़ने के लिए, बोले नहीं, बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा उसको तो यही दुर्गति होगी, कहाँ बताया सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छो, ये रामायण में ही बताए, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा, रामायण देखे होंगे भगवान सबसे पहले उठकर किसकी चरण छूते थे, पिता माता के चरण छूते थे, रामायण देखे होंगे जब दशरथ महाराज सैन्य की ओर देखे कि रामायण भगवान राम स्वयं दशरथ महाराज के चरण की सेवा करते हैं, ठाकुर जी स्वयं पिता माता की सेवा करते हैं, इसलिए रामायण पढ़ने पर ही हमें पता चलता है क्या है, पिता माता की सेवा करनी चाहिए, सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करो, अब कोई है जो सबसे उठ के सवेरे उठ कर पिता माता की सास ससुर के चरणों से हाथ उठाओ, तो देखो एक बच्चे बहुत अच्छी बात, एक दो माता हाँ छूते है ना, देखो बहुत अच्छी बात, इसलिए ये सब रामायण से सीखते हैं, लेकिन हम रामायण पढ़ते नहीं, बच्चे को नहीं पढ़ा, लेकिन क्या जानते हो स्मार्टफोन बच्चे को बच्चों को भरवा देते, 20-20 हजार 50-50 हजार देखोगे बच्चों के पास में स्मार्टफोन है, जिस जीवन जिसको बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे, अभी बच्चे लोग इसी वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे, इतने नशा चढ़ गया उनके ऊपर, इतने नशा चढ़ गया पढ़ाई पढ़ाई सब इसमें चक्कर बर्बाद कर, इसलिए अगर हम चाहते हैं बच्चे अपना अपना घर भगवान का धाम बन जाए, अयोध्या बने, अयोध्या मतलब जहाँ पर कोई युद्ध नहीं होता है, इसलिए अयोध्या ना अवध, अवध मतलब क्या, जहाँ पर बंधन नहीं होता है, कोई मरते नहीं, अगर घर को हम चाहते हैं अयोध्या अवध बना, क्या बेटा राम जैसे बेटा हो और सीता जैसे, बोलो जोर से, अरे बोलो सीता जैसे बहू हो, और बच्चे जैसे लव कुश जैसे घर में, लव कुश जैसे बच्चे, बस वही घर अयोध्या वही घर ही अवध है, घर ही वृंदावन बन जाएगा, बिना घर घर में अगर प्रभु का नाम कीर्तन भजन होना, तुम्हारी घर नहीं, घर तुम्हारी वृंदावन धाम बन जाएगा, अगर चाहते हो
वास्तव रूप में घर में शांति और सुख आए, घर अयोध्या बन जाए। क्या करो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार लाओ। और जो पहला गुरु पिता माता है, पहला गुरु कौन है, पहला गुरु माँ है, उसके बाद में पिता है, है? पहला गुरु कौन है, माँ। सबसे पहले बच्चे का संस्कार, माँ की संस्कार सबसे पहले बच्चों के ऊपर पड़ेगा। अगर दिन भर माँ टीवी देख रही है स्मार्टफोन में लेकर के, बच्चे को अगर बोलेगा बेटा क्यों स्मार्टफोन देख रहे हो, पढ़ाई करो, करेगा बोले तू तो दिन भर देख रहे, तू दिन भर टीवी के सामने बैठी हो और दिन भर तू खुद स्मार्टफोन में लगी हुई, हमें कहती हो जाकर तू स्मार्टफोन छोड़ दे, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। अगर वही बच्चा देखता है, अब देखना बच्चों का स्वभाव, अगर माँ अगर माला लेकर बैठ कर हरिनाम करती रामायण, बच्चे का स्वभाव देखना, ये देखना है मैया क्या देख रही है मैया। अगर हम देखा हमारे जैसे भक्त लोग माला जब करते हैं ना, वो बच्चा माँ का हाथ से छीन लेते हैं माला लेकर के, खुद ऐसे माला का हाथ में रख के हरे कृष्ण, मैया बैठकर हरे कृष्ण करती है ना, बच्चा भी बैठकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण माँ करती है ना। इसलिए पहला गुरु माँ है, माँ के संस्कार सबसे पहले बच्चे को ऊपर बैठती है। इसलिए अगर चाहते हो बेटे लवकुश जैसे हो, घर अयोध्या बने, क्या करो, हरि नाम करो, भगवान का नाम लो, गीता रामायण पढ़ो, जब भी तुम्हारी हरि भगवान का धाम बन जाएगा, अयोध्यापुरी बन जाएगा तुम्हारी, ठीक है ना। हाँ, ऐसे संस्कार डालो बच्चों को करे, सब बच्चे भजन करे, भगवान की भक्ति करे और घर में आनंद आनंद घर में छा जाए। अगर तुम्हारे घर में जैसे किसी माता ने अपना बच्चे को उद्देश्य में, अपना बच्चे को आज कितना साल उसकी होगी, दो साल, दो साल उद्देश्य में बोले नहीं हम तो भक्तों को बुलाएंगे, संतों को बुलाएंगे, घर में हमारी कीर्तन हो, घर में हरि कथा हो, घर में प्रभु की चर्चा हो। इसलिए भागवत कहता है जिस घर में हरि कीर्तन हो गई, हरि की भजन हो गई, सत्संग हो गई ना, कह तो घर घर नहीं है, भागवत कहता है वो घर भगवान का धाम बन जाता है, भगवान की धाम बन जाती है। और घर के जितने पाप है, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, घर से सारे अमंगल सब दूर हो जाते हैं, सब घर से सारे अमंगल दूर हो जाए। क्यों, वहां पर हरि के नाम हो गई, हरि की कीर्तन हो गई। भागवत तो कहता है सर्वाणी तीर्थानी बसंती तथा जथा चुता कर तथा प्रसन्न, तो जहां पर भगवान अच्युत की कथा, भगवान की कथा हुई, भागवत कहते हैं सुतो गोस्वामी वो घर नहीं, बोले सर्वाणी तीर्थानी बसंती तथा, पृथ्वी के जितने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जितने धाम हैं, कद उसी घर में आकर बैठ गए, सारे धाम उसी घर में आ गए। कद जितने तीर्थ है, आपको पता कितने तीर्थ है, शास्त्र ने बताया 6 अरब, कितना है 1 अरब, कितना होता है बोले 1 अरब कितना होता है, कौन बोलेगा, हाँ 1 अरब कितना होता है, 7 करोड़। 6 अरब मतलब कितना हो गया, 6 करोड़। ये भागवत उसी घर में 6 करोड़ तीर्थ उसी घर में आकर बैठी गई, जिस घर में प्रभु की हरि चर्चा हरि कथा हो गई, हरि का कीर्तन हो गई, घर में 6 अरब तीर्थ उसी घर में आकर बैठ जाते हैं। इतने महिमा जिस घर में सत्संग और हरि का कीर्तन हो। इसलिए जिन लोगों ने आज बुलाया घर में, घर का मालिक कौन है और घर की प्रभु जी कौन है, ये घर की जो मालिक कौन है, प्रभु जी और आपके बेटा है ना, अच्छा और आप धर्म पत्नी कौन है, पत्नी कहाँ है आपकी, कौन है, और यही है, ठीक है वो भी है बेटा, ये भी है, कौन है, और ये भी है, बहुत अच्छी बात। इसलिए देखो इनके लिए ताली बजाओ, उन्होंने अपना बच्चे के उद्देश्य में जोर से ताली बजाओ, ताली बजाओ, ठीक है। उन्होंने घर में उल्टा उल्टा व्यक्ति काम नहीं कर, घर में सत्संग करवाए, भगवान की कीर्तन करवाए। इसलिए जो प्रभु के लिए कुछ करते हैं ना जगत में, वही जगत का सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ फल उनको ही प्राप्त होता है, जहाँ काम को जो करते हैं। इसलिए आप लोग भी घर में क्या करना है, अपना शादी के साल ग्रह में बच्चे का व्रत रहे हो, भक्तों को बुलाओ, कीर्तन करवाओ, देना घर में मंगल मंगल होगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आपका बधाई गा दो बच्चे के लिए, बधाई, आज ये रात बच्चे की जन्मतिथि है ना, और उन्हें बधाई गा लेते हैं, हैं राधा रानी बधाई। श्री राधा रानी चरण बंदो बारंबार, जिनकी कृपा कटाक्षसों रीझे नंद कुमार, जय जय श्री राधे।
आयो कर संतन की संगत में बार बार, सदा पद पंकज में शीश को झुकायो कर, नहायो कर प्यारे मार तंड कन्या में जाए, रज को लगाए अंग अंग हुलसायो कर, पायो कर प्रभु के प्रसाद को प्रसन्न है के, श्री बनराज जू की पर कम्मा जायो कर, ध्यायो कर ध्यान मन मगन हो हृदय बीच, बैठ के निकुंजन राधा गुण गायो कर, बैठ के निकुंजन में राधा गुण गायो कर, ध्यायो कर ध्यान मन मगन हो हृदय बीच, बैठ के निकुंजन में राधा गुण गायो कर, बैठ के निकुंजन में राधा गुण गायो कर। श्री राधा रानी जन्म महोत्सव की जय 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 श्री राधे। चलो भैया समस्त ब्रजवासियों ब्रजभान महाराज के द्वार पे चलो, लाडली को जन्म भयो, चलो भैया चलो रावल राम चलो राम धाम चलो भैया, चलो भैया श्री राम सखा चलो भैया समस्त ब्रज गोपी द्वार चलो भैया। राधा रानी जन्म महोत्सव की जय जय श्री राधे। जन्मी कुंवर किशोरी सखी मंगल गाओ, I'm gonna make it।
लाली आई रे बरसाने चलो चलो झूम के। राधा रानी की महोत्सव गा रहे हैं, राधा रानी के दरबार में, भगवान के दरबार में अगर जो नाच लेना फिर और कहीं इसको नाचना नहीं पड़ेगा, 84 लाख दिन में नाचना बंद हो जाएगा, कहीं कोई नाचेगा। देखो ये संसार में सब नाच रहे हैं, बताओ कौन नहीं नाच रहा है? कोई कोई बीवी कहते दुख रूपी नाच, कोई बीवी को सामने नाच रहा है, कोई पति को सामने, कोई नर्द को सामने, कोई सांप को सास को सामने, कोई पैसा को सामने, नहीं तो ये 84 लाख जन्म तक नाच ही रहे, कोई दौरानी के सामने। इसलिए क्या देखो तब तक ये दुख रूप नाच नाचेंगे जब तक भगवान के सामने नहीं नाच लोगे। एक बार प्रभु का दरबार में नाच लो ना, देखना सारे नाचना तुम्हारी बंद हो जाएगा, कहीं तो बिना नाचना नहीं पड़ेगा। देखो एक छोटी छोटी सी कहानी सुन लो, भगवान के सामने नाचने का ये पद्म पुराण की कथा, ये पद्म पुराण की कथा, ध्यान देकर सुनो। ठाकुर के सामने नाचने का कितना पुण्य है। एक समय ये कार्तिक की महीना थी, जैसे ठाकुर को दरबार में किसी ने दिया जलाया, अभी वो दिया धीरे धीरे बुझने जा रही थी, एक चूहा ने वो तेल खाने का लोभ से पहुंच गया। जब वो तेल पी रहा था चूहा, इतने में उसको दांत में बत्ती फंस गई, इतने में चूहा पीछे हटते ही वो जो दिया बुझने जा रही थी वो दिया हो गया तेज। अभी उसको मुंह में थोड़ी सी आग लग गई, चूहा के मुंह में आग लग गई, इतने में चूहा ने 2-3 बार छलांग लगा दी। देखो ठाकुर बांके बिहारी कितने दयालु है। ठाकुर जी ने देखा कार्तिक का महीना थी और ये दिया बुझने जा रहा था और चूहा ने क्या किया, पीछे हटते दिया में दांत लग गई तो दिया तेज हो गया, मतलब उसने मेरे को दिया दिखाया है, मेरे को आरती दी और 2-3 बार छलांग लगा दी, मतलब मेरे को ये आरती उतार के लिए आरती दिखाते हुए मेरे सामने नृत्य किया नाच चला। उसका फल किया हुआ अगले जीवन में वो चूहा ने राजा का घर में राजकुमारी बनकर वो चूहा जन्म लिया। इसलिए कृष्ण गीता का श्लोक है कहते सल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महत्वयाते। अर्जुन कृष्ण कह रहे अर्जुन मेरे लिए अगर कोई इतना से करता है ना मैं उसके लिए इतना करता हूँ, मेरे तरफ में कोई 1 कदम बढ़ाए मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ता हूँ। भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं सुदामा ठाकुर जी को 2 मिनट चिड़वा दिया, ठाकुर जी क्या दिया, त्रिभुवन का राज्य दे दिया, त्रिभुवन का राज्य दे दिया, ठाकुर इतने दयालु। इसलिए फिर वो जो राजकुमारी बनी उसकी हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम बन गई, प्रभु का भक्ति की भजन की, फिर भगवान की पटरानी बन करके ठाकुर के धाम में चली गई। अगर एक चूहा 2-3 बार छलांग लगा करके अगर ठाकुर की पटरानी बन सकते हैं, अगर हम प्रेम से नाचेंगे बताओ तो ठाकुर क्या नहीं, हम सोच भी नहीं सकते ठाकुर इतना चीज देने वाले हैं। इसलिए एक बार ठाकुर के सामने प्रभु बढ़िया भजन गा रहे हैं, हैं? भजन से थोड़ी सी प्रभु के सामने एक बार सब खड़े, बड़े देर से बैठ बैठ के प्यार दुख नहीं रहा है, फिर एक बार सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर एक बार नाच लो ठाकुर के दरबार में। राधा रानी जन्म महोत्सव की जय, भगवान महाराज की जय, तीरथ मैया की जय, श्री राम भैया की जय, चंदन हितकारी की जय, गुरुदेव लाल की जय, जय जय राधे। लाली आई रे बरसाने चलो चलो झूमो, लाली आई रे बरसाने चलो चलो झूमो, लाली आई रे बरसाने चलो झूमो चलो झूमो, लाली आई रे I'm gonna make it.
I'm not going to be able to do it.
सुखी सुख का अनुभव होगा हमको। आइए भाई, रात श्याम सपने में आए, दही पी गए I'm
है जैसे जय जय श्री राधे राधे राधे। आहो कृपा मई लारी प्यारी परम उदार बन विनोद सुख कारणी रसिकन प्राणाधार बन विनोद रस कन प्राणाधार जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी अंगना पूछी रानी कहाँ से गिर सकूँ ना।